2018 जुलाई में हुआ था, उसमें पॉलिटी के कौन कौन से सवाल पूछे गए थे, उसमें राज्य व्यवस्था के कौन कौन से सवाल पूछे गए थे, कितने आसान पूछे गए थे आप देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश करी थी, कौन सी आपकी समिति है? तो वो समिति कौन है भाई? अशोक मेहता समिति। वो समिति कौन है? अशोक मेहता समिति। जनता पार्टी की सरकार थी, 1977 में इस अशोक मेहता समिति का गठन किया गया और अशोक मेहता समिति ने 1978 में अपना क्या कर दिया? रिपोर्ट दे दिया। 1977 में इसका गठन किया गया और 1978 में इसने रिपोर्ट दे दिया। तो आज के बाद से जब भी पूछे कि न्याय पंचायत समिति की सिफारिश, तो अशोक मेहता समिति। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? अधिकार क्षेत्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य आता है, स्वच्छता आता है, जनोपयोगी सेवा आता है, लेकिन सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव ये स्थानीय स्वशासन के अधीन नहीं आता है, ये स्थानीय स्वशासन के नहीं आता है। हे गुरुवर, चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपके डी हो जाएगा। पंचायती राज प्रणाली कौन सी सूची में, यह भी बताने की जरूरत है। तीन प्रकार की सूची है, तो ये राज्य का विषय है तो राज्य सूची में आ जाएगा। शराब की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, मनोरंजन की बात करें, उपहार की बात करें, पंचायती राज की बात करें, ये सब के सब आपके राज्य सूची में आ जाते हैं। कौन से राज्य ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध कर दिया है? बिहार ने भी कर दिया, उत्तराखंड ने भी कर दिया, मध्य प्रदेश ने भी, हिमाचल प्रदेश ने। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। धन विधेयक कहां पे पेश किया जाता है? देखो धन विधेयक की जब बात करें तो पूरा का पूरा पोटेंशियल जो है किसके अंतर्गत आ जाता है? लोकसभा में आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप इसको राज्यसभा में नहीं भेजते, राज्यसभा में भेजते हैं। अगर राज्यसभा ने पहले विधेयक धन विधेयक है या नहीं इस बात को तय कौन करेगा, डिसाइड कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। डिसाइड हो गया, लोकसभा में उसको पेश कर दिया गया, राज्यसभा को भेजा गया। 14 दिन का होता है कि 14 दिन में आपने लौटा दिया तो ठीक है, अगर आपने 14 दिन में नहीं लौटाया तो हम अपने आप से इस बात को मान जाएंगे कि आपने धन विधेयक को पारित कर दिया है। इसमें राज्यसभा का कोई रोल नहीं होता है, अनुच्छेद 110 आप लोगों को पता होगा, केवल लोकसभा में। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो भारतीय संविधान की प्रकृति की बात करें तो प्रकृति में संघीय है लेकिन भावना में एकात्मक है। तो जो भी साथी शाम को 5 बजे मंडे टू फ्राइडे डेली पॉलिटी की क्लास ले रहे होंगे वो इस सवाल को सही कर पाएंगे। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। अगर इनको अपना सिग्नेचर वो रेजिग्नेशन भी सौंपना है तो प्रेसिडेंट को ही सौंपेंगे। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है और ऐसा पद है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है लेकिन उस सदन का संचालन करता है, उस सदन की अध्यक्षता करता है, उसको क्या बोलते हैं? उपराष्ट्रपति। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? तो भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। अगर लोकसभा में उसने विश्वास मत को खो दिया तो पूरी की पूरी सरकार आपकी चली जाएगी। संसद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 साल। ग्राम प्रधान 21 साल। वोटर बनने के लिए 18 साल। आप राज्यसभा या विधान परिषद में जाना चाहते हैं तो 30 साल। आप राज्यपाल बनना चाहते हैं, राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, उपराष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो 35 साल। मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, मंत्री बनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो मिनिमम 25 साल। तो आंसर क्या हो जाएगा? 25 साल। सर्वोच्च न्यायालय के जो जजेस होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र क्या होती है? तो 124(2) अनुच्छेद उसमें आपके इनकी जो सर्वोच्च न्यायालय के जो आपके न्यायाधीश हैं, जजेस हैं, उनकी रिटायरमेंट की एज कितनी होती है? आपकी 65 साल होती है। क्या होती है? 65 साल। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? तो जो मंत्रिमंडल अधिकारी जो सचिव होता है उसी को सबसे ऊपर का अधिकारी आपको कहा जाता है। तो ये सारे सवाल आपको 63वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 63वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2018 जुलाई माह में जो पेपर हुआ था उसमें आपके पूछे गए थे। तो आप लोग बताइए सारे के सारे साथी कि पॉलिटी के
जो आपके सवाल थे, क्या आप लोगों को ऐसा लगा कि इसमें से कोई ऐसा सवाल था जो आपसे नहीं बन सकता था? कोई ऐसा सवाल जो आपसे नहीं बन सकता था? जिनको भी लगता है कि नहीं, अब हम इतने कंफर्टेबल, मैं एक ही चीज का इंतजार कर रहा हूं, और वो उस क्षण का इंतजार हमें इस कदर है कि जैसे एक प्रेमी प्रेमिका का इंतजार सुबह से रात तक एक पार्क में बैठ के गेट पे मच्छर मारते हुए करता है, वो कौन सा? तो 15 मार्च को हमने अपना सिलेबस खत्म कर दिया। 15 मार्च से 15 मई को 2 महीने होगा, जून में 3, जुलाई में 4, अगस्त में 5 और सितंबर में 6। और हमें पूरा विश्वास है कि शिक्षक दिवस के पहले, 5 सितंबर के पहले A to Z सिलेबस हम आपका कंप्लीट कर देंगे, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, साइंस हो, स्टैटिक जीके हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, A to Z ये 10 जो मेन सब्जेक्ट है सबका सिलेबस मैं कंप्लीट कर दूंगा। और हमें उम्मीद है कि सितंबर में जब आप लोग निकलोगे, भारत का कोई भी एग्जाम आप दोगे, हमें नहीं लगता है कि उसको आप छोड़ पाओगे। बस हमें इंतजार है इस सितंबर महीने का, और मैं कोशिश करूंगा कि 5 सितंबर से पहले सभी सिलेबस को कंप्लीट करके आप लोगों का फेयरवेल करें, और 5 सितंबर नहीं 6 सितंबर से 1 महीने लगातार भारत के जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं, यूपीएससी से लेके यूपी पुलिस तक, यूपीएससी से लेके यूपी पुलिस तक सारे के सारे एग्जाम के प्रीलिम्स के मेंस के सभी सवाल मैं आपको करा दूं। तो अब हम देखने जाएंगे नेक्स्ट पोर्शन को,